नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश में विरोध प्रदर्शन की आग की लपटें विकराल रूप धारण करती जा रही है। दिल्ली के जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीते 3 दिन से उग्र प्रदर्शन जारी है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर नजमा अख्तर ने कहा, पुलिस ने बिना अनुमति के कैंपस के अंदर घुसकर कार्रवाई की। इसके तहत छात्रों ने भी इस कार्रवाई का जवाब दिया। छात्रों ने कैंपस का गेट तोड़कर पुलिस को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पथराव किया। पुलिस की कार्रवाई निंदनीय है। वहीं इस प्रदर्शन के दौरान कई सरकारी बसें आग के हवाले कर दी गई। छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ और कई छात्र अस्पताल में भी भर्ती हैं। रविवार को इस प्रदर्शन से काफी बवाल हुआ, जिसके कारण कई रोड पर आवाजाही ठप कर दी गई है और मेट्रो लाइनें भी देर रात तक बंद रही। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में पुलिस की गाड़ियां भी चला दी गई और इस दौरान कई पुलिस बल सहित दमकल कर्मी घायल हो गए। बता दें कि जामिया में उग्र विरोध प्रदर्शन के तहत छात्रों और पुलिस कर्मियों के बीच टकराव हुआ। जहां एक ओर छात्र प्रदर्शन पर थे, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस ने छात्रों को काबू में करने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले बरसाए और उन पर हवाई फायरिंग भी की, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। गौरतलब है कि अलीगढ़ में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। शहर में चारों ओर पुलिसकर्मी तैनात हैं। कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं बेकाबू हालात को देखते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6 जिलों मेरठ, बुलंदशहर, कासगंज, बागपत, सहारनपुर और बरेली में धारा 144 लागू की गई है।